गाइस गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अभी अलीबाग में और आप अलीबाग कैसे आ सकते हैं, कौन से टूरिस्ट प्लेस पे जा सकते हैं, कितना कुछ आपका खर्च हो सकता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहे एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करें और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो भी कर सकते हैं। आइए साथ में घूमते हैं अलीबाग। सफ़र की शुरुआत है सुबह 7 बजे की बस से जो मुझे खुपुली से लेकर पेन तक लेकर जाने। सफ़र को एंजॉय करते हुए और कुछ बेहतरीन नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए मैं पहुंच गया 1 घंटे में पेन स्टेशन और वहां से फिर दूसरी बस चेंज करके निकल पड़ा अलीबाग के लिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सो ऑलमोस्ट आफ्टर 2 घंटे के जर्नी के बाद हम लोग आ गए हमारे अलीबाग बस स्टैंड पे और यहाँ से हम लोग जाएंगे हमारे फर्स्ट स्टॉप दैट इज़ अलीबाग बीच। तो यहीं से उसके बाद हम लोग जाएंगे कोलाबा फोर्ट के लिए भी। तो चलते हैं, पहले कुछ पेट पूजा करते, बहुत भूख लगी है। यहाँ का महावीर चौक और मुझे यहाँ के एक लोकल फ्रेंड नहीं बोलूँगा, विजस्ट फ्रेंड बोला, उन्होंने बताया था कि महावीर चौक से सीधा रास्ता जाता है। तो हम चलते हैं यहाँ से। आज लगता है नाश्ते में बिस्किट ही खाना होगा क्योंकि बाकी सब तो बंद है, कुछ दिख नहीं रहा मुझे। तो यहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं नाश्ता करने के लिए होटल में एंड रास्ते में था इनके वड़ा पाव, समोसा, खाना पुआ, वड़ा उसल, भजी। तो ये वड़ा उसल छोड़ के बाकी सब हम लोग डेली बोला ऑफिस में खाते हैं। सो लेट्स क्यों बोला कि वड़ा उसल ही ट्राई करते, 45 रुपीज़ का है और लेट्स सी टेस्ट कैसा है, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद पूरा मुझे अच्छा है, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है। एटलीस्ट कुछ तो थोड़ा सुबह सुबह लाइट जाना चाहिए। मैं तो 2 मिनट मिलता हूँ, क्विकली फिनिश इट। सो इस राजस्थान होटल में नाश्ता करने के बाद मुझे वो 45 रुपीज़ थोड़ा कॉस्टली लगा, इतना बहुत अच्छा मिला। एंड इसके बाद मैंने एक चाय बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छी थी, बट वड़ा उसल थोड़ा कॉफी लगा मुझे। और यहाँ से अब 2 मिनट का रास्ता है बीच, तो मैं आपसे सीधे मिलता हूँ अब बीच पे। अगर आप अलीबाग बीच आते हैं तो आप जो बाइक राइड है वो आप 100 रुपये में कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम कैमल का पूछते हैं, कैमल का कितना है दादा? दादा कैमल सफारी कितनी है क्या? नहीं 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 पूछ रहा कितना, और कितना करवाते राउंड मारे। तो अगर आप इनसे लेते हैं तो आपको छोटे बच्चे का जो है वो 50 रुपये लेते हैं और बड़े बच्चे का 100 रुपये ना? बड़े का 100 रुपया, छोटे बच्चे का 50 रुपये, इधर अलीबाग में राइड मिलता है। आपका नाम? रघु भाई रबारी। हाँ, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो रघु भाई से ज़रूर ले। मैं इनका जो है नंबर आपको लिंक में डाल दूँगा, तेजा भाई को भी मिल जाना। हाँ, और सामने जो पीछे है वो कोलाबा फोर्ट है, वहाँ भी हम जाएंगे। उसके लिए मैंने सुना है 200 रुपये का टिकट है आना जाना, 1 घंटा आपका अलाउ रहता है अंदर में रुकने के लिए। और अगर आप बाकी बोट का राइड लेना चाहते हैं पूरा उसका 300 रुपये है कुल, पूरा एक बोट राइड का, वो आपको पूरा फेरी से राइड कराते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताएंगे लेकिन पहले हम कोलाबा फोर्ट घूम के आ जाते हैं।
यहाँ से हमने 200 रुपए का टिकट ले लिया है कोलाबा फोर्ट के लिए, और अभी वहाँ से हमारा जो है बोट है वो आ रहा है, शायद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इनका इनके हिसाब से आधा घंटा बहुत होता है, लेकिन बहुत सारी पब्लिक आते हैं घूमने के लिए, तो किसी को फ़ोटो निकालना है, किसी कुछ करना है, तो ऑलमोस्ट एक से सवा घंटा हम लोग रुक सकते हैं। और सामने जब अलीबाग बीच में आते हैं तो शायद उधर ही है इनका, तो आप आ सकते हैं। अपन फाइनली इकडे बसलो आहे इथे बोटने, अँड आता यहाँ सब लोग कोलाबा फोर्ट के लिए जाएंगे। सो अपन इकडे आलो कोलाबा फोर्टला, पहुँच गए। पहले एक नीचे का टूर लेके आते हैं, फिर ऊपर जाएंगे हम लोग। कोलाबा फोर्ट की बात करूं, इसका कंस्ट्रक्शन 16 मार्च 1680 में शुरू हो गया था, और ये टूरिस्ट का बहुत ही माना जाना डेस्टिनेशन है। बहुत साल पहले इसको ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये मंदिर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड जो फेमस चीज़ें है कि जो है सामने के ऊपर से वहाँ का जो समंदर का नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत लगता है, वो दिखाता हूँ उधर में। बाकी बहुत शांति है यहाँ पे। ये कोलाबा फोर्ट पे मंदिर है, यहाँ पे बजरंगबली जी का लाइक उनको पेंट किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। एक छोटा सा शॉर्ट टूर ले गया था मंदिर का। यहाँ पे जब पहले जब फोर्ट रहा होगा एंड कोई यहाँ से जाता होगा, तो यहाँ पे जो सिपाही होगा वो बैठ के उसका लाइक चेकिंग एंड ऑल, इसके बाद उसको सामने गेट पे छोड़ा जाता होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही था ये। ये देखिए, ये इसलिए हो सकता है कि या तो यहाँ पे कैदी को रखा जाता होगा, या सेकेंड चीज़ इसमें सिपाही जो है जो बाहर से समंदर की ओर से जो है ना जो अपना अटैक करने वाले होंगे उन पर नज़र रखने के लिए हो सकता है। ज़्यादा लग रहा है कि इसको कैदी के लिए रखा जाता होगा, देख पता नहीं। सो मंदिर से दर्शन लेने के बाद अब हम ज़रा समंदर के नज़ारे लेते हैं। हाँ तो ये है हम और ये है समंदर। हाँ द बेस्ट फीलिंग यू नो लाइक।
Hi, Sana. Hi. I don't know your name. What's your name? My name is Sushant. Hi, Sushant. Okay, how was your experience over here? I think this coast is very peaceful. Okay. I mean, I can see this huge, vast coastline. Yeah. It's like literally extending from where I can see to where I cannot see, like, really. Yeah. It's fascinating. And, you know, these remains and stuff, they kind of make me reminiscent about the time, you know, where they used to fought and they had so much patriotism, you know, that they die or they just, you know, drown in the sea but not give up. So, I mean, that's something nice to think of. Yeah, actually, and it's very, you know, calm place. Yeah. In the evening time, if you sit over here and, you know, if you relax now, it's just amazing feeling. And that's I like about, you know, traveling. It gives you peace. Yep. That's true. And thank you so much for talking with us. Yep. Thank you. And it was really nice from her. I was just shooting my own. And she asked me, what do you do? Video log. Video log. And that was... Then she shared her experience with me. And... बस नाइस किया जब नए जगह पे जाते हो और आपको कुछ नए लोग मिलते हैं तो अच्छा मज़ा आता है. इस फोर्ट का सबसे खूबसूरत बात क्या पता है कि समंदर से मनी नहीं भरता. कोलाबा फोर्ट का जो टिकट प्राइस है वो केवल 25 रुपये. सो इट वर्थ इट यार. 25 रुपये में तो 50 में देके आ जाता है. इतना खूबसूरत है फोर्ट. अभी हम लोग कोलाबा फोर्ट का ऐसा राउंड लेके आ रहे हैं. उधर से हम लोग आए थे एंड इधर से भी जा रहे हैं. वैसे भी जो उन्होंने जो सना मिली थी तो उन्होंने कहा था कि आप इधर से ज़रूर जाना. दो तो कैनल रखा हुआ है, इसके बीच से जो व्यू पॉइंट है वो बहुत अच्छा है. सो लेट्स सी क्या है वो. सो इसी व्यू पॉइंट की वो बात कर रही थी, है ना, कि मैं इधर से खूबसूरत लगा वो. एक्चुअली खूबसूरत है. सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द कोलाबा फोर्ट एंड मूव फॉरवर्ड. यू नो लाइक देखते हैं आगे अगला डेस्टिनेशन हमारा. फिलहाल तो एक छोटा सा सफ़र रहने वाला है जो बहुत ही खूबसूरत है. आपको पता है अलीबाग का नाम अलीबाग क्यों पड़ा था? क्योंकि बहुत साल पहले एक एलिजित करके एक आदमी थे, उन्होंने ही इस जगह पे अपना एक मैंगोज और कोकोनट का फार्म यू नो लाइक शुरू किया था. और उनका नाम एलिजित था और उनका जो बागीचा था, ठीक है, अली और बाग, है ना, अली का बागीचा मतलब अलीबाग. इस हिसाब से यू नो लाइक कहते हैं कि इस जगह का नाम अलीबाग पड़ा था. और फोर्ट के बारे में बताओ ना, तो फोर्ट बहुत ही खूबसूरत था. आप ज़रूर आओ फोर्ट पर, मैं बोलूँगा ज़रूर आओ, बहुत अच्छा था. तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं वर्सोली बीच के इधर. अलीबाग सिटी में ही है ये, सेकंड बीच है. एंड बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी, इट्स टू हॉट. यहाँ से कुछ वर्सोली बीच 1.5-2 किलोमीटर है एंड उसके लिए लोग 70 रुपये बोल रहे. मुझे बहुत ज़्यादा लगा 70 रुपये 1.5-2 किलोमीटर के लिए. इसके लिए मैंने मना कर दिया. आई थॉट ऑफ कि चलो चल के जाते हैं. चलना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि लाइक यू नो गर्मी, लेकिन वेट बड़ी. ये
जो तालाब इस जगह है इसका नाम है हीराकुट तालाब एंड आपको दिखाता हुआ कैसा है। म्यूजिकल सिटिंग अरेंजमेंट्स जहाँ पे आप बैठ के नो आराम कर सकते। कपल पॉइंट बहुत अच्छा जगह, इवनिंग में तो बहुत ही अच्छा जगह होगा। जैसे थक गए हैं जैसा मैं दिख रहा हूँ सब, यहाँ पे आके आराम से थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिसको पूछा वो बोल रहा है 2 किलोमीटर और करीबन मैं 1.5-2 किलोमीटर चल चुका हूँ पता बट ये मज़ा आता पता मुझे यही चीज़ें पसंद है। अब जैसे देखो सब जगह तो मैं बाइक लेके नहीं जाता था, ठीक है, तो मज़ा है ये सब चीज़ का। अब बहुत अच्छा जगह, बहुत शांत जगह। इस जगह की बात करूँ ना तो ये जो अपना गार्डन था वो बहुत अच्छा था, पीस काम। शाम के टाइम पे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, इधर थोड़ा धूप कम रहता है, सूर्य भगवान अगर थोड़ा अपनी उष्णता को कम कर देते तो मज़ा आ जाता ये देखिए अलीबाग प्रॉपर कोकोनट फार्मिंग दिख रहा है, पूरा कोकोनट। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ वॉक हम लोग पहुँच गए हैं वर्सोली बीच पे, एंड ये भी बीच बहुत क्राउडेड है एंड अंदर भी है थोड़ा, बट बहुत अच्छा बीच है। और अभी फ़िलहाल थोड़ा ठंडा हो गया, कुछ तो अच्छा से लेते हैं क्योंकि बहुत भाई हर जिसको पूछा 2 किलोमीटर बोल रहा था, 2 किलोमीटर बोलते 6 किलोमीटर चला दिया। और देखिए बहुत क्राउडेड है, इस बीच पे भी आप वो सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो आप अलीबाग बीच पे करते थे, लाइक ये देखो वो बोट राइडिंग, उसके बाद वो बाइक राइडिंग। सारे एक्टिविटीज़ आप यहाँ भी कर सकते हो गाइस। एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको पानी में जाके गिला होकर नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ अगर मैं पानी में जाता हूँ, और ये फ़ोन है ठीक है तो गिला हो जाएगा, एंड कोई है भी नहीं कि लाइक वो पीछे से वीडियो शूट करे, तो इसलिए पानी में जाके मतलब ही नहीं है। बट हाँ मैं यहाँ से इंजॉय कर सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। हाँ तो वो जो है कि था जो जेस्की राइड का 300 रुपया सॉरी, एंड जो एक है बड़ा वाला उसका बनाना राइड का 200 रुपीज़। एंड आप आए कहाँ से नाम? हाँ तो इनसे आप आज के ले सकते हैं, जस्ट नहीं तो इनका गाड़ी रहता। अगर आप पैकेज लेते हो तो आपको 600 का पड़ेगा, जिसमें आपको 3 मिलता है, जिसकी राइड बनाना राइड और बम्पर ना, हाँ वो तीनों आपको 600 में मिल जाएगा। चार राइड लेंगे तो 700 में मिलेगा। तो मैं ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अगर आते हो तो आप पैकेज ही ले लो, ताकि आपको वो सस्ते ही पड़ेंगे अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है तो, एक एक करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक पाइनएप्पल जूस ले रहे हैं, पाइनएप्पल जूस खोपोली से बात करूँ यहाँ पे तो 10 रुपये का फ़र्क है, वहाँ पे 20 में, यहाँ पे 30 में। बादाम शेक बाप रे 70 रुपये का फुल, क्योंकि कोबोली साइड में 40 रुपये का, 30 रुपये का फ़र्क है। और उनका कहना था कि दूध भी यहाँ पे महंगा आता है, 60 रुपये लीटर, दोनों क्या सोचे। तो ठीक है बीच साइड है तो थोड़ा महंगा तो मिलेगा ही, बट फिर मुझे ये थोड़ा बेटर लगा, पाइनएप्पल जूस और बादाम पीते रहता तो आई थॉट ऑफ कि चलो पाइनएप्पल जूस ही पीते। Thank you.
साढ़े चौन आप चाहे जाए तो खान हुई चलिए बीच पे एक छोटा सा राउंड लेते हैं एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। अभी होटल में बैठा था खाना खाने के लिए एंड मैंने सुरमई थाली लिया था जो कुछ 450 रुपये पर प्लेट पड़ा था और मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा फ़ोन नो बंद हो गया डिस्चार्ज हो गया तो मैंने वहीं पे मैंने वो चार्ज में लगाया एंड फिर आपको अभी बता रहा हूँ सॉरी फॉर दैट। और अभी हम जा रहे हैं आवास बीच के लिए तो अभी मैं यहाँ से एक ऑटो लिया जो मुझे आगे आवास फाटे तक ड्रॉप करेगा एंड फिर उसके बाद वापस वहाँ से एक ऑटो लेना होगा बीच तक जाने के लिए। दो बीच है आसपास में, एक किहिम है एंड एक आवाज़ है, बट मैंने आवाज़ इसके लिए सुना कि किहिम भी बहुत क्राउडेड है बट पता चला कि आवाज़ बीच शांत है, ज़्यादा क्राउड नहीं होती तो लेती क्राउड है कि नहीं है। ये दो ऑलरेडी क्राउडेड बीच हमने कवर किया है, अभी देखते हैं क्या होता है। सो ऑलमोस्ट दो गाड़ी चेंज करने के बाद हाय सो ऑलमोस्ट आफ्टर दो गाड़ी चेंज करने के बाद बच्चे छोटे छोटे सो ऑलमोस्ट दो गाड़ी चेंज करने के बाद हम लोग आ गए हैं ये गांव में एंड क्या गांव का नाम क्या आवास हाँ आवास अच्छा गांव का नाम भी बीच के नाम से ही पड़ा है तो आवास गांव में आ गए हैं एंड यहां से 5 मिनट का रास्ता है उन्होंने कहा और अभी देखते हैं कैसा है। हाँ जी सो वेलकम टू आवास है ना आवास बीच हम पहुँच चुके हैं एंड ये एक्चुअली में बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए था, बिल्कुल क्राउड नहीं है, थोड़े बहुत है स्टेज में देखिए है ना थोड़ा बहुत है एंड बहुत अच्छा है, कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं, ये ऐसी जगह जहाँ पे पहले बैठ जाते फिर बात करते अच्छे में। खास बात क्या है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा ना ही आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिलेगी बट एक चीज़ ज़रूर मिलेगा वह सुकून। शहर की ज़िंदगी कितनी बिजी और यू नो कितनी स्ट्रेसफुल रहती है आप सभी को पता है और उस बीच अगर कोई एक ऐसा जगह समंदर किनारे जहाँ पे केवल आप हो अगर आपका कोई साथी है वो है तो यू नो दिस प्लेस वो सारे पेन्स वो सारे स्ट्रेस को हील कर देता है अगर रह जाती है तो बस केवल कुछ खूबसूरत यादें और कुछ खूबसूरत लम्हे जो आपको कुछ दिन नहीं कुछ साल नहीं हमेशा आपके दिल में बस जाती है और हमेशा आपको यादें दिलाती है। सो आप जब भी आए ना तो आप 2 दिन और 1 रात के लिए आए एंड इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी प्लेसेस कवर हो जाएगी अलीबाग की। फर्स्टली आप स्टार्ट कर सकते हैं अलीबाग बीच से मेन, ठीक है, उसके बाद वहीं पे कोलाबा फोर्ट भी है तो अलीबाग बीच फिर कोलाबा फोर्ट फिर आप वर्सोली बीच और उसके बाद ये आवास बीच और ये इसके बाद किहिम बीच, ये सब जो चीज़ें हैं किहिम आवास ये सब अलीबाग के राइट हैंड साइड पर आती है एंड अलीबाग से यहाँ का डिस्टेंस कुछ 12 किलोमीटर है। प्राइवेट व्हीकल से बहुत ईजी होगा, पब्लिक व्हीकल से आपको थोड़ी तकलीफ होगी बट आप कर सकते हैं जैसे मैंने किया, ठीक है आप कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर आपको बताऊँ तो अगर आपका पर्सनल है तो कोई बात ही नहीं, अगर पब्लिक से करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट पर डे का 400 से 500 रुपया आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 450-450 रुपया ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो जाएगा। डे टू में आप कर सकते हैं रामेश्वर टेम्पल, उसके बाद बिरला टेम्पल, उसके बाद मुरुड जंजीरा है जो बहुत दूर है यहाँ से, कुछ 54-50 किलोमीटर है मुरुड जंजीरा फोर्ट भी है वहाँ पे और वो बहुत दूर है, वहीं उससे पहले आपको पड़ता है बिरला टेम्पल और उससे पहले पड़ता है आपको रामेश्वर टेम्पल। ये 3 चीज़ आप डे टू में कवर कर सकते हैं और आपको पूरा बजट अगर हो बताओ तो होटल जो यहाँ पर ऑन एवरेज है वो है
हज़ार से लेके 1500 के बीच में एक एवरेज होटल जहाँ पे आप रह सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं। एंड ये गाइस है ना, ये बच्चे उस वक्त से आ जाओ लोग आ जाओ। मेरे चैनल का नाम है कैंडिड जर्नी। से हाय पब्लिक को, हाय बोल दो, हाय, और बोल दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है? आ जाए आ जाए, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है? सब साथ में आपके चैनल का नाम कैंडिड जर्नी, कैंडिड जर्नी। सो ये पब्लिक है, एंड एक्चुअली पीछे भी ये पब्लिक मिली थी मुझे, बट फिर मैं आगे आ गया था एंड ये बच्चे लोग मुझे हाई कर रहे थे। सो ये पूरी पलटन, मैं आपको पूरी पलटन से मिलवा देता हूँ। ये पूरी पलटन है यहाँ पे। आप लोग कहाँ से आए? पूरन से। बाप रे बाप, ये लोग भी बीच के ही एरिया से आ रहे हैं, ठीक है? सो ये नवी मुंबई की पूरी पब्लिक है। हेलो एवरीवन, एंड आप सबका कैंडिड जर्नी में स्वागत। और ये पब्लिक एक्चुअली पीछे से थे बहुत पहले से, एंड अच्छा लगा इनसे मिल के। ऐसे आप लोग भी मुझे प्यार देते रहे और वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहे, वीडियो को शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू है, और जितनी यू नो फैमिली से हमारा जितना धीरे धीरे बढ़ेगा, मैं उतना ही और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। दोज थिंग्स गिव सम मोटिवेशन, यू नो लाइक। सो अगर बजट की बात करूँ, 1200 तक होटल आ जाएगा आपका, एंड टोटल आपको 3 से 4 हज़ार रुपया पर पर्सन बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, 3000 में हो जाएगा। और यहाँ पे आके आप सी फूड ज़रूर ट्राई करें, बहुत खूबसूरत होता है सी फूड। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ा अगर रहते हैं तो नेगोशिएशन करें, वो लोग रेट्स बहुत ज़्यादा हाई बताते हैं, बट अगर आप थोड़ा नेगोशिएशन करते हैं तो आपको कम कर देते हैं। तो ये था मेरा आज का एक खूबसूरत सा दिन जो मैंने आप सबके साथ गुजारा। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ गाइस शेयर द वीडियो, है ना? मिलते हैं अगले वीडियो लॉग में, तब तक के लिए।